प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री जी को नए भारत के निर्माण का बजट हेतु बधाई दी और कहा कि समृद्ध शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए और यह ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्यप्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है जिसमें रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।